होगा। आज एक कमेटी बना दी गई है, चीफ सेक्रेटरी साहब को कोर्ट में बुलाया गया, सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी आए उनके सामने, चीफ सेक्रेटरी से पूछा गया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि सर कमेटी बनाए जिसमें सीएम आईटी चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की चेयरपर्सन डॉक्टर शीरीन नारेजो और एक सेक्रेटरी औकाफ हैं उनको और एक और कोई मेम्बर साहब हैं उनको, उनके कमेटी बनाई है और उसको FIA को डायरेक्शन दिए हैं साइबर क्राइम को कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है, किस तरह लीक हुआ है और वो पूरे जो बेसिस हैं उसके हिसाब से जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी कोर्ट में भी जमा होगी और वो इंक्वायरी कमेटी के पास भी होगी। अब देखें, और इसके साथ साथ कोर्ट ने ये किया है कि 15 दिनों के लिए रिजल्ट्स को सस्पेंड कर दिया है MD कैट के, ये और मेरिट लिस्ट इशू करने से रोक दिया है। ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है क्योंकि जो स्टूडेंट, अच्छा एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग आई है कि रेगुलेशंस में, एक्ट में एक पॉइंट है कि भाई एक रिजल्ट जो है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, तो कोर्ट ने उस पर भी कॉग्निजेंस लिया है कि भाई क्यों 3 साल तक वैलिड रहेगा और इसको जो है वैलिडेशन जो है इसकी 1 साल तक रहनी चाहिए, बाकी स्टूडेंट्स क्यों सफ़र करें जो नए टेस्ट में आते हैं। तो उसको भी कोर्ट का इसी पे पॉइंट है कि वो क्यों ना उसको भी स्ट्राइक डाउन किया जाए। तो ये आज की जो है कार्रवाई हुई है पूरी। अहम चीज़, एक चीज़ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में रखना चाहूँगा, क्योंकि हम पिटिशनर्स हैं एक्चुअल इस मामले को लेकर चल रहे थे, सिंध गवर्नमेंट की सतह पर चीफ सेक्रेटरी ने कन्फेस किया है कि 40% पेपर जो है वो गैस पेपर में, इट मीन्स के 40% आपने कन्फेस कर दिया है, लेकिन आज भी हम इस मौके पर कायम है कि 90% पेपर आउट हुआ है और गैस हुआ है। दूसरी बात, मैं आम तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, MD कैट के जो है उम्मीदवारान हैं या कोई और हैं जिनके पास शवाहिद हैं, 15 दिन के अंदर जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है उसमें अपीयर होके और पेश करें वो तमाम शवाहिद जिन बेसिस पर जो है वो MD कैट लीक हुआ था। तीसरी, वो जो तमाम इंस्टीट्यूशंस, उन लोगों को आप नोटिफाई करें जिन जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया है, ताकि कल्प्रिट्स भी पकड़े जाएं और ऐसा प्रेसिडेंट सेटल हो कि कल को ये कोई भी शख्स उठ के इस किस्म की जो है कैरियर की किसी के मुस्तकबिल के साथ ना खेले। कोर्ट के भी शुक्रगुजार हैं और सिंध हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कन्फेस किया है कि 40% पेपर जो है लीक हुआ है। थैंक यू।